Good morning everyone. Welcome to the School. Myself Swati Mahavar. We are doing chapter number one in Political Science of Class 10. Chapter is Power Sharing. This, today we start with the third part of this chapter. Come to the page number 5. The topic is accommodation in Belgium. Okay, we are on the fourth point of this topic. अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ द थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट एक तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो हाइयर लेवल पे जो होती है जो अपर लेवल पे होती है वो कौन सी गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद आती है उसका सब डिवीज़न जो आता है वो क्या कहलाता है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बाद में एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलाक्टेड बाई पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी डच फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग नो मैटर वेयर दे लिव ठीक है कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कम्युनिटी के बिहाफ पे पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है कम्युनिटी यानी कि लैंग्वेज के बिहाफ पर चाहे वो डच हो चाहे फ्रेंच हो चाहे जर्मन स्पीकरस हो ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर एक, एक ही एरिया के अंदर रहने वाले हों उस कंट्री के अंदर वो किसी भी पार्ट के अंदर रह सकते हैं अगर वो डच कम्युनिटी से हैं तो वो जितने भी डच स्पीकर होंगे वो सारे उसी कम्युनिटी के अंदर आएंगे ठीक है चाहे वो उस कंट्री के किसी भी पार्ट के अंदर डिसाइड करते हो दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल एडुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़ अब कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या काम होता है उसके पास पावर्स होती है कि वो कल्चरल एडुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उन सबको सॉल्व करें सोसाइटी के अंदर कल्चर से रिलेटेड कोई इशू हुआ ठीक है एडुकेशन उस कम्युनिटी का उस कम्युनिटी के लोगों के एडुकेशन से रिलेटेड कोई इशू हुआ तो ये सारे इश्यूज देखने का काम किसका होता है कम्युनिटी गवर्नमेंट का यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड इट नीडेड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इट इंडीड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम ठीक है जो बेल्जियन का जो मॉडल था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था वहाँ के लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता था उसके अकॉर्डिंग काम करने में बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार लेकिन इस अरेंजमेंट के बाद वहाँ पर जो सिविल वॉर जैसी जो कंडीशंस थी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आया था दे देव टू अवॉइड सिविक स्ट्राइक बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़ एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस ठीक है ये जो मॉडल बनाया गया था वहाँ के गवर्नमेंट ने जो मॉडल बनाया था इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो दोनों कम्युनिटी के बीच में जितने भी कन्फ्लिक्शंस थे जो उनके बीच में टेंशन थे वो सारे सॉल्व हो गए थे लैंग्वेज के बिहावे जो कम्युनिटीज आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर सॉर्ट आउट हो गई थी वैन मनी कंट्रीज़ ऑफ़ यूरोप केम टूगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन ब्रूसेल्स वॉज चूजन एज इट्स हेड क्वार्टर्स ठीक है बहुत सारे कंट्रीज जो थे वो आगे आए और उन्होंने अपना एक यूनियन बनाया जिसका नाम क्या था यूरोपियन यूनियन जिसमें ब्रूसेल्स को वहाँ पर उसका क्या बनाया गया हेडकॉर्टर बनाया गया किसका हेड क्वार्टर यूरोपियन यूनियन जो बनाया गया था ग्रुप उस ग्रुप का हेडकोार्टर कहाँ पर सेटअप किया गया ब्रूसेल्स के अंदर नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज वॉट डू वी लर्न फ्रॉम दीज स्टोरीज ऑफ बेल्जियन एंड श्रीलंका बोध आर डेमोक्रेसीज ठीक है दोनों ही कंट्रीज के अंदर क्या था डेमोक्रेसीज था जो कम्युनिटी थी वो कम्युनिटी खुद का गवर्नमेंट बनाती थी येट द डेल्ट विद क्वेश्चन ऑफ़ पावर शेयरिंग डिफरेंटली ठीक है यहाँ पर पावर शेयरिंग जो थी वो क्या उसका जो सिनेरियो uh, था वो क्या था अलग अलग था दोनों कंट्रीज़ के अंदर पावर शेयरिंग का जो मेथड था वो क्या था अलग था इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज़ पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स ठीक है वहाँ पर बेल्जियम के जो लीडर्स थे उनको ये बात समझ में आ चुकी थी अच्छे से कि कंट्री के अंदर हम यूनिटी कब बना सकते हैं जब वहाँ पर सब लोग आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें ठीक है एक दूसरे की जितने भी काम होते हैं उनके अंदर कॉपरेशन करें दोनों ही क्लासेस का यहाँ पर क्या होना चाहिए इकनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए सच ए रियलाइजेशन रिजल्टड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर इसीलिए यही रियलाइज़ करते हुए उन्होंने क्या करा एक अरेंजमेंट बन किया ठीक है कि पावर्स को किस तरीके से शेयर किया जाए आपस में मिलके म्यूचुअली का मतलब क्या होता है आपस में मिलके किस तरीके से पावर्स को आपस में शेयर किया जाए कि उनकी बातों को वो माने और दूसरी कम्युनिटी की बातों को फर्स्ट कम्युनिटी माने ठीक है दोनों एक दूसरे के जितने भी डिसीजंस होते हैं उनका रिस्पेक्ट करें डिसीजन के अंदर कोऑपरेशन करके चले श्रीलंका अस आ कंट्रेस्टिंग एग्जाम्पल इट शोज अस दैट इफ अजोरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूज टू शेयर पावर इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री ठीक है यहाँ पर जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी वो क्या चाहती थी फोर्स वॉन्ट्स टू फोर्स इज डोमिनस जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी वो क्या चाहती थी कि जो माइनॉरिटी है यहाँ पर यानी कि जिसका नंबर ऑफ पॉपुलेशन जिस कम्युनिटी का कम है माइनॉरिटी वाली जो कम्युनिटी थी वो उसको अपना गुलाम बनाना चाहती थी ठीक है जो मेजोरिटी वाली कम्युनिटी थी वो क्या चाहती थी कि जो माइनॉरिटी वाले पीपल हैं वो हमारे बात माने हमारे ऑर्डर्स माने और सारा जो भी रिस्पेक्टेबल सीट्स होती है जो भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो सारी हमको ही मिले यानी अच्छा अच्छा सारा हमारे पास आए और जो विकार है जो हम लोग नहीं करते हैं जिन जगह पे हम लोग नहीं रहते हैं जो काम हमारा हम नहीं करते हैं वो सारे काम किसको मिल जाए माइनॉरिटी को आया समझ में नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल क्यों ज़रूरत होती है पावर शेयरिंग की दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन कैन बी गिवेन इन फेवर ऑफ़ पावर शेयरिंग नंबर वन पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स पावर शेयरिंग अच्छा क्यों है क्योंकि पावर शेयरिंग होने की वजह से दोनों ग्रुप्स के बीच में जो भी कन्फ्लिक्शंस होते हैं उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है यानी दोनों कम्युनिटी आपस में लड़ना बंद कर देती है सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लेड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी सोशल कन्फ्लिक्ट होने की वजह से वायलेंस होता है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है ठीक है वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल रहेगी पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर पावर शेयरिंग बहुत सही तरीका है अच्छा रास्ता है स्टेबिलिटी बनाने का पॉलिटिकल ऑर्डर में ठीक है Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run, it undermines the unity of the nation. ठीक है अब यहाँ पे majority community जैसे कोई काम करती है वो control बनाती है किसी minority के ऊपर दूसरी community के ऊपर तो short run यानी कि थोड़े time के लिए तो ये अच्छा लगता है कि चलो ठीक है हमारा कोई ध्यान रख रहा है ठीक है कि हमारे लिए कोई decisions लेने वाला है लेकिन जब ये चीज़ लॉन्ग रन के अंदर चलती है ज़्यादा टाइम इसको लगता है तो लोगों के बीच में क्या आ जाता है उनको ये लगने लग जाता है कि यहाँ पर हमारा तो किसी भी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है हमें तो प्रेशराइज ही किया जा रहा है हर तरफ से सारी जो भी गुड डील्स है गुड अपॉर्चुनिटीज़ है वो तो सिर्फ मेजोरिटी के पास है हमारे पास तो कुछ भी नहीं है तो जिसकी वजह से उस कंट्री का नेशन जो होता है वो वहाँ पर इनहेरिट होता है ठीक है और वहाँ पर उस नेशन उस कंट्री का जो यूनिटी होता है वो क्या हो जाता है खराब ख़त्म हो जाता है लोग आपस में मिल रहना बंद कर देते हैं टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज़ नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी इफ ऑफन इट ऑफन ब्रिंग्स रियून टू द मेजोरिटी एज वन ठीक है अब यहाँ पर जो माइनॉरिटी है माइनॉरिटी भी चाहती है कि हम भी मेजोरिटी के साथ में मिल काम करें ठीक है जैसा मेजोरिटी का डेवलपमेंट हो रहा है वैसे हमारी कम्युनिटी का भी डेवलपमेंट होना चाहिए देर इज़ द सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का अगर स्टेबल रखना है अगर अच्छे से डेमोक्रेसी को कंट्री के अंदर लागू करना है बनाए रखना है तो उसके लिए पावर शेयरिंग क्या होती है बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि सिर्फ एक ही लीडर पूरे कंट्री को कंट्रोल नहीं कर सकता है पूरे कंट्री को वॉचआउट नहीं कर सकता है तो पावर्स को अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड करना ही ठीक रहता है कि हर यूनिट वहाँ पर हर यूनिट का ध्यान रखा जाए आ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दो अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विध इट्स इफेक्ट्स ठीक है डेमोक्रेटिक रूल क्या है कि पावर्स को शेयर किया जाए और शेयर करने के बाद ही उसको लोगों के ऊपर लगाया जाए ठीक है अलग अलग पार्ट्स में पावर्स को डिवाइड करने के बाद ही उसको पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उसके बाद में उसके जो इफेक्ट्स हैं वो देखने में आते हैं कि किस तरीके से वो जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पावर शेयरिंग का वो कैसे काम करता है किस तरीके से वो पूरा कंट्री को कंट्रोल करके रखता है पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न लोगों को पूरा हक है कि किस तरीके से उनको गवर्न किया जाए किस तरीके से उनको कंट्रोल किया जाए तभी तो हमारा लीडर हम खुद चूज़ करते हैं अ लिजिटीमेट गवर्नमेंट इज़ वन वे सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम लिजिटीमेट गवर्नमेंट कौन सी होती है जहाँ पर हर सिटीज़न को पार्टिसिपेशन मिलता है अपनी लीडर को चूज़ करने के अंदर ठीक है सिस्टम में कौन आएगा कौन हमारा लीडर होगा कौन हमारे कंट्री को पूरा कंट्रोल करके रखेगा किसका किसके हाथ में हमारे कंट्री की सारी चीज़ें होगी तो ये सारा चूज़ करने का काम किसका होता है पीपल के हाथ में होता है लोग खुद चूज़ करते हैं अपना नेता लेट इज़ कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ़ रीज़न प्रोडेंशियल एंड द सेकेंड मॉरल अब यहाँ पे फर्स्ट जो रीज़न हमने दिया था डेमोक्रेसी का पावर शेयरिंग का वो क्या है प्रोडेंशियल है और दूसरा वाला क्या है मॉरल है वाई प्रोडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स मॉरल रीज़न एम्फिसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज़ वैल्यूएबल ठीक है प्रोडेंशियल रीजन किसके ऊपर ध्यान देता है पावर शेयरिंग के ऊपर कि किस तरीके से आप पावर शेयरिंग को अच्छे आउटकम निकाल के लाते हो पावर शेयरिंग से किस तरीके से अच्छे आउटकम्स निकलते हैं अगर पावर शेयरिंग रहेगी तो कंट्री का डेवलपमेंट इंक्रीज ही होगा डिक्रीज नहीं होगा वो वो अच्छा ही होगा और इम्प्रूव करेगा कंट्री ठीक है मॉरल एम्फेसिस क्या बताता है कि पावर शेयरिंग बहुत कंट्री के अंदर क्या है वैल्यूएबल है अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो कंट्री अच्छे से काम नहीं कर सकती लोग आपस में लड़ते ही रहेंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा आया समझ में आप लोगों के okay? ये आपका यहाँ पे थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया अब जो रिमेनिंग चैप्टर है वो हम फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करेंगे ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे होम स्टे सेफ